हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा अपनी बहू रिया से परेशान रहा करती। रिया पूरे दिन आलसी की तरह इधर उधर पड़ी रहा करती और वो कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। माँ जी आपकी चाय, मैं भी जरा चाय पीते हुए आज की ताज़ा खबरें देख लूं, फिर चलूंगी घर के कामों में हाथ लगाने। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे तो एक बहाना चाहिए होता है। चल देख ले और थोड़ा जल्दी चाय पी, वरना तू पूरा दिन इसी चाय की चुस्की के साथ बिता देगी। मुझे भी ये अच्छे से मालूम है। अब रिया काफी समय तक चाय की चुस्की लेती है और उसे करीब 20 मिनट हो जाते हैं और एक खबर देखते देखते रिया रोने लगती है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तू एक मासूम को उसकी माँ से दूर कैसे कर सकता है? क्या हुआ बहू, रोना धोना लगा रखा है? क्या हो गया, कहीं तेरी गुजरात वाली दादी तो नहीं निपट गई? अरे नहीं नहीं माँ जी, सामने टीवी में देखिए कैसे एक माँ अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए रो रही है। ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा माँ जी। बहू कुछ और कर ले, क्या नाटक लगा रखा है? अपनों के लिए तो कुछ करती नहीं और जिसे जानती भी नहीं है उसके लिए आंसू बहा रही है। माँ जी क्या करूँ, मेरा दिल ही ऐसा है, कहीं भी कुछ भी देख लूँ तो आंसू अपने आप ही निकलते हैं। ठीक है ठीक है, इतना ही रोना आ रहा है ना तुझे, तो एक काम कर, अपने कमरे में जाकर रो, चिल्ला मार पीट कर, लेकिन अभी तू यहाँ बैठकर ड्रामा मत कर, मुझे बहुत सारा काम है। अपनी सास के कहने पर रिया वहाँ से उठकर चली जाती है और बेचारी सुमित्रा काम करने लगती है। रिया को बस कोई ना कोई काम करने का बहाना चाहिए होता है। अरे ओ बहू, मैं मार्केट विमला के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ, तू मेरे आने तक घर के सारे काम निपटा लियो। इतना कहकर सुमित्रा विमला के साथ मार्केट चली जाती है। इधर रिया अपनी सास की आवाज़ तो सुनती है लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। माँ जी मार्केट गई हैं, इसका मतलब शाम का खाना बनाने का काम मेरे जिम्मे सौंप गई हैं। लेकिन मैंने भी माँ जी की आवाज़ सुनी का, मैं तो चली गहरी निंद्रा। इधर रिया टीवी चलाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। दूसरी तरफ जब सुमित्रा घर आती है तो उसके पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे विमला, सब जगह तो लाइट थी लेकिन मेरे घर में लाइट क्यों नहीं है? चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? अरे तूने बिजली का बिल नहीं भरा होगा, तभी तो तेरे घर की लाइट कट गई है। पूरे मोहल्ले की बिजली के बिल भरने से पहले ना अपने घर का बिल भर कर आती हूँ, तो उस अभागे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर की लाइट काटे? अरे तो तेरी बहू भी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, अपनी बहू को आवाज क्यों नहीं लगा दी? या अब तक सो रही है तेरी बहू? अपनी बहू की तरह आलसी समझा है क्या तूने मुझे विमला? वैसे भी मैं सुमित्रा हूँ सुमित्रा, वो सास जो अपनी बहू को अपने इशारों पर नचाना जानती है। चल ठीक है, अब तो अपनी बहू को बुला ही ले, नाच बाद में लियो। अरे ओ बहू बहू, अरे ओ बहू कहाँ है, घर में इतना अंधेरा क्यों रख रखा है? अब रिया अपनी सास की आवाज सुनकर जल्दी से टीवी बंद करके चादर तान कर सो जाती है। जा तू खुद ही लाइट जला ले, तेरी बहू तो अब तक सो रही है। बड़ी आई बहू को अपने इशारों पर नचाने वाली, चलती हूँ मैं। घर की बात घर तक रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर वाले के सामने बेइज्जती हो ना, इससे बड़ी बदनामी और क्या ही हो सकती है। सुमित्रा अब घर में लाइट जलाने के बाद अपनी बहू को देखने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू सो रही है। सुमित्रा अपनी बहू को उठाने की बजाय खुद ही काम में लग जाती है। माँ जी खाने में क्या बनाया है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बहू तेरी नींद खुल गई, अभी तो तू कुछ समय पहले तक ऐसे सो रही थी जैसे हम तुझसे रात में नाइट ड्यूटी करवाते हो। मुझे लगता है माँ जी इस घर में कुछ है, मैं जैसे ही बिस्तर पर जाती हूँ वैसे ही नींद आ जाती है। बहू तू घर की जिम्मेदारियों को कब समझेगी, अगर ऐसा ही होता रहा ना तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। इतना सुनकर रिया वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, बहू कुछ कर लिया कर, बहू कुछ कर लिया कर, मुझे तो माँ जी की ये डायलॉग्स समझ ही नहीं आते हैं। अभी तक वो आए ही नहीं है और माँ जी के कमरे में कोई तो था। मैं माँ जी को कहती रहती हूँ कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है,
लेकिन वो है कि मानती ही नहीं है। अब जब रिया सुमित्रा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सुमित्रा के कमरे में मुंह ढके हुए एक आदमी घर में सामानों को ढूंढ रहा है। माँ जी जल्दी आइए, आपके कमरे में चोर घुस गया है। माँ जी कहाँ हैं आप? अब तो खाना मैं बना रही हूँ, तो तू क्यों झूठ मूठ का ड्रामा कर रही है? हे भगवान, बचाए मुझे ऐसी बहू से। माँ जी मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगा। अरे बहू, ये कौन है? अरे तुम मेरी बहू को मारना क्यों चाहते हो? माँ जी मुझे बचा लीजिए, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ए बुढ़िया, चुपचाप से खड़ी हो जा, समझी ना तू, वरना तेरी बहू का गला काट दूंगा। देख, अगर तू चाहता है कि तुझे इसे मारकर कुछ हासिल होने वाला है तो तू ये गलत सोच रहा है। ये तो मेरे किसी काम की नहीं है बहू, तो किसी काम की नहीं है। और इसी दिन के लिए मैं तुझसे कहती रहती हूँ, बहू कुछ तो कर ले। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और जो भी पैसे गहने हैं मुझे लाके दे दो। चोर भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो माँ जी का है। मैं तो इस घर की सताई गई बहू हूँ बस। अरे क्या बात कर रही हो, ये कुछ नहीं करती, अरे कुछ तो कर ले। चोर को जैसे ही रिया फूलदान से मारती है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में ही शोर मच जाता है कि सुमित्रा के घर में चोर घुस आया है, और आस पड़ोस के लोग भी उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे वाह बहू, आज तो तूने बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो बोलना बनता है ना बहू, आज तो तूने कुछ किया है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। रिया को अब भी काम में मन नहीं लग रहा था। बहू तुझे एक दिन मैंने ये क्या कह दिया कि बहू आज तो तूने कुछ कर दिया, तू तो उस दिन के बाद से कुछ कर ही नहीं रही है। माँ जी तो पहले भी कौन सा मैं कोई काम करती थी, उस दिन भी मैं उस चोर को कुछ नहीं करती, लेकिन उस चोर की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे ये कह दिया कि कुछ तो कर ले, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी उस चोर के सर पर फूलदान मार दिया। अब अगली रोज ही सुमित्रा मार्केट के लिए अपनी पड़ोसन के साथ निकल रही होती है। तभी सुमित्रा अपनी बहू को भी साथ चलने के लिए कहती है। बहू आज मैं तुझे यहाँ सोने नहीं दूंगी, तुझे यहाँ रहकर भी कुछ नहीं करना, इसलिए चल हमारे साथ मार्केट। माँ जी आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का। बहू आज मैं तुझे किसी भी हाल में सोने नहीं दूंगी। सुमित्रा अपनी बहू को साथ ले जाती है, लेकिन बाजार से आते वक्त एक सांड विमला के पीछे पड़ जाता है, और ये देखकर सुमित्रा, विमला और रिया सभी भागने लगते हैं। अरे विमला, इस उम्र में इतना तो दौड़ नहीं पाऊंगी। अरे विमला, तुझे किसने कहा था ये लाल साड़ी पहनकर साथ में आने को? अभी ताने मत दे, अभी सिर्फ भाग सुमित्रा, तेरे बुढ़ी हड्डियों का सवाल है। हाँ जी, अभी तो आप मुझे बचा लीजिए। अरे मैं खुद को बचा लूँ वही बहुत है, और अब तो तू कुछ कर ले बहू, खुद की भी जान की भीख भी अपनी सास से ही मांग रही है। माँ जी कुछ क्या, बहुत कुछ हो चुका है, आप दादी बनने वाली हैं, और कितना क्या करूं? अरे देख सुमित्रा, तेरी बहू ने तेरे तानों का इतना दिल पर ले लिया कि तुझे दादी ही बनाकर मानी है। हाँ माँ जी, अब तो आपको अपने पोते को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तीनों ही भागते हुए एक घर में घुस जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद सुमित्रा और विमला, रिया सब घर पहुंचते हैं। वहीं सुमित्रा बहुत खुश थी क्योंकि वो दादी जो बनने वाली थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।